हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी देखिए सुबह का टाइम हो रहा है और अभी तो मतलब कि सूर्योदय भी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ 5 बजे हैं। हमारे इधर ना बहुत जल्दी इस तरह का इतना अच्छा मौसम खिल जाता है ना, और बहुत जल्दी अभी तो हो ही जा रहा है। और वैसे तो अभी मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है और ज़्यादा गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती है। यहाँ तक कि मॉर्निंग में अभी ठंड ही लगती है, पर लगती नहीं है गर्मी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बस मैं अभी अभी उठी हूँ, इससे पहले ही मैं उठ गई थी। बस अभी मैं दरवाज़ा खोली हूँ और अभी मुझे हो गए हैं 15-20 मिनट उठते हुए। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी सबसे पहले ब्रश कर लेती हूँ। एक बार मैंने बच्चों को उठवा लिया है कि आज स्कूल है, और आज ना गर्मी की छुट्टियों के बाद फर्स्ट डे है जो दोनों बच्चे मेरे स्कूल जाएंगे, क्योंकि 40 दिन लगभग छुट्टी पड़े थे, 40 या 42 दिन। तो ये मतलब कि इतने काफ़ी टाइम के बाद ये फर्स्ट टाइम आज स्कूल जा रहे हैं। आसी आसी, स्कूल नहीं जाना, उठ जा। बच्चों को मैं एक बार उठाई थी जब मैं खुद उठी थी, और आदित्य उठ के और ये अयांश के पास आकर सो गया था, और आसी उठ के फिर दोबारा आदि। तो बच्चों का मेरे यही है कि एक बार उठाने से नहीं उठते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि 10-15 मिनट बाद उन लोगों को उठाते रहती हूँ, और दूसरे बार में ही फिर बच्चे उठ जाते हैं और अपना काम जैसे कि ब्रश वगैरह करना, रेडी होना, वो सब फिर अपने आप वो कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे बस एक ही डर रहता है कि अयांश ना उठ जाए। और वैसे अगर सुबह उठता है ना तो मुझे उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मैं अपना सुबह का सारा काम कर लेती हूँ जो मुझे करना रहता है, क्योंकि उस वक्त तक मेरे हस्बैंड रहते हैं। दोनों बच्चे अभी अपने से तैयार हो जाते हैं, बस आसी का बालों का वो थोड़ा बहुत मतलब कि सारी चीज़ें है कि नहीं, मतलब मेन जो ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जैसे कि बुक्स, ये सब कुछ रूटीन के हिसाब से मिस ना कर दिए हैं, तो वो सब चीज़ का मैं थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रात में ही अगर हम ज़्यादा काम मतलब कि किचन का पूरा काम करके सोए ना, तो देखिए सुबह मॉर्निंग में हमें इस तरह का कुछ किचन मिलता है, और इससे हमारा ज़्यादा मशक्क़त भी नहीं करनी पड़ती है सुबह, और टाइम का बहुत ज़्यादा बचत होता है। यहाँ पर बस मैंने एक गीला कपड़ा लिया है और उससे मैंने गैस को थोड़ा सा मतलब कि वाइप कर लिया है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि रात बहुत बड़ा टाइम रहता है, और रात में हर घर में छोटे छोटे कीट जो होते हैं, जर्म्स होते होंगे, कॉकरोच होते होंगे, वो सब तो थोड़े घूमते ही हैं, जो दिन में वो लोग नहीं घूमते वो रात में निकलते हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले मैंने गैस को प्लेटफॉर्म जो है किचन का काउंटर टॉप, उसे मैंने अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ लिया है। और अब मैं यहाँ पर जो मुझे बनाना है वो मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ, या रात में अगर उसकी प्रिपरेशन करनी होती है तो रात में हल्का फुल्का कर लेती हूँ, वरना मैं सुबह ही करती हूँ। क्योंकि बहुत दिनों से फर्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं ना, तो आसी को बहुत दिन से ही बोल रही थी कि मम्मी हम फर्स्ट टाइम अगर जाएंगे पहला दिन तो हम हलवा पूड़ी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और पूड़ी, वैसे मैं ऑयली चीज़ बहुत कम देती हूँ, पास्ता, नूडल्स, मैगी और ये वाली चीज़ें बहुत कम देती हूँ, क्योंकि शुरू से आप मुझे देखते होंगे तो मैं टिफ़िन में कभी भी मैक्रोनी पास्ता जो होता है, या फिर मैगी हो, नूडल्स, मतलब ये सब आइटम नहीं देती हूँ, क्योंकि देना भी नहीं चाहिए, और ख़ासकर पूड़ी भी, क्योंकि पूड़ी में बहुत ज़्यादा ऑयल लगता है। और यहाँ पर बस मैं टिफ़िन में ले जाने के लिए आसी के लिए पूड़ियाँ तल रही हूँ। खाने के लिए मैंने ऑलरेडी पराठा बना लिया है। आदित्य भी पूड़ी वो उसको इतना पसंद नहीं है, बस आसी को पसंद है, तो वो भी मतलब कि अगर देखूंगी ले जाएगा तो ठीक है, वरना पराठा। और यहाँ पर मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये
शुरू से बोल रही थी, मैंने कहा कि चलो आज पहला दिन है तो फिर मान लेते हैं। और उसके बाद तो फिर मेरे ये जो बच्चे हैं ना, स्कूल जिस स्कूल में जाते हैं ना, वहाँ पे सख्त मना है कि वहाँ पे हरी सब्जियाँ और पराठा लेकर ज़रूर जाना है। आप एक्स्ट्रा में अगर कुछ दे देते हैं, फ्रूट्स और भी कुछ होता है, लेकिन हरी सब्जी और पराठा ये सब ज़रूरी है। मैम ने खास प्रिंसिपल मैम ने इनके डायरी में या फिर नोटबुक में ऐसा स्पेशल कहा गया है। और मैं भी हमेशा शुरू से पराठा, हरी सब्जी ये सब को ज़्यादा ही इनको देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए अयांश उठ चुका है और अभी तक ये लोग मतलब कि बेग वेग अब निकलने ही वाले हैं, सब चीज़ रेडी हो गया है। तो सुबह का वक्त था तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ, जितना बन गया क्योंकि वैसे तो मैं उठती हूँ जल्दी, लेकिन थोड़े मतलब कि बच्चों के पीछे भी टाइम लग जाता है, अयांश भी उठ जाता है ना, तो वो खेलता रहता है पूरा घर में और फिर उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है कि कोई चीज़ गिरा ना ले अपने ऊपर या फिर कोई चीज़ ऐसा गिरा ना दे जिससे मेरा नुकसान हो जाएगा। जैसे कि कई बार मेरा ट्राइपॉड वहाँ रखा रहता है ना कहीं पर, वो कई बार गिरा चुका है, कई बार मेरा मतलब उसका जो होल्डर रहता है वो टूट चुका है। अभी जब से वो घिसकना स्टार्ट हुआ है तभी से वो ऐसा बदमाशी करता है। और फ्रेंड जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने काफ़ी देर बाद थोड़ी देर के लिए मैंने अयांश को मतलब कि सुला दिया है और उसके बाद मैं फटाफट अपना क्लीनिंग का काम कर लूँगी। लेकिन अगर वो उठ जाएगा तो फिर ये काम मेरा रह जाएगा, इसी वजह से सबसे पहले मैं क्लीनिंग कर लूँगी ना, फिर छोटी मोटी काम तो ऐसे ही कर लूँगी, फिर मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ। और बस मेरा एक काम नहीं होता है, अगर घर में कोई ना रहे ना तो बस मैं मतलब कि नहा नहीं पाती हूँ, और अयांश को छोड़ के नहाऊँगी ना तो फिर वो दिक्कत हो जाता है। अगर वो खेल रहा है तो फिर ठीक है, वरना सोया रहता है तो मुझे डर लगता है कि कहीं बेड से गिर ना जाए। तो इसी वजह से मैं जितना भी छोटा मोटा काम रहता है ना उसके मौजूदगी में कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी आते हैं तो घर वो 2 बज जाता है, तो मैं आराम से रुक रुक के सारे काम को निपटा लेती हूँ अपने घर का और अयांश का भी। नहाना धोना खिलाना पिलाना में ही कब 2 बज जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स अभी देखिए मैं बच्चों के रूम में आ गई हूँ और बच्चों का रूम कुछ ऐसा ही रहता है, यहाँ पर कॉपी किताबें बिखरे रहते हैं और ये लोग अपना रात में होमवर्क बनाते हैं। अभी इनको इतना मतलब कि हो गया है ना, अब इनको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है खेलने का, सिर्फ शाम को ये लोग खेलते हैं, 1-2 घंटा तो लगभग खेलते ही होंगे शाम को, ट्यूशन के बाद ये खेलने चले जाते हैं, उसके बाद शाम को सूरज ढलने के टाइम ही आते हैं, घर के पास ही खेलते हैं। और उसके बाद मैं अब आ गई हूँ अपने बेडरूम में और इसका भी बेडशीट मुझे अभी चेंज नहीं करना था तो मैं इसे अच्छे से झाड़ देती हूँ और अच्छे से बस इस बेडशीट को ठीक कर लूँगी। तो इतना काम करने के बाद फिर अयांश उड़ जाता है मेरा और उसके बाद फिर मैं अपना ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अभी ये उठ गया था तो मैं जब ये सोया था तो उसको मैंने एक बोतल दूध पिला दिया था और उसके बाद अभी उठा है तो फिर देखिए बच्चों का पेट छोटा सा रहता है तो इनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और यहाँ पर मैं इसको हलवा आज मैंने बनाया था तो मैं हलवा ही खिला देती हूँ, वरना मैं रागी या फिर दलिया इस टाइम खिला देती हूँ इसको। और उसके बाद यहाँ पर देखिए बारिश का मौसम हुआ है, ये कपड़े मैंने शाम को धोए थे तो फिर ये अभी सूख चुके हैं, मैंने कहा कि बारिश होगा पूरा भीग जाएगा और सारा सूखा ही वाला सूखा ही कपड़ा है। थोड़ा देर के लिए धूप हुआ था, मौसम बहुत अच्छा है और लग रहा है कि बारिश होगी, ये नहीं पता होगी कि नहीं, लेकिन पूरा मौसम बहुत ठंडी हवा चल रही थी और बारिश शायद होगी। तो मैं सारे कपड़ों को उठा देती हूँ और यहाँ पर मच्छरदानी वगैरह भी मैंने धो दिया था शाम को, तो ये सब सूख चुका है अच्छे से, तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ना छोटे बच्चों को लेकर पहले मैं सोचती थी कैसे मैनेज करूँगी कैसे, लेकिन ना धीरे धीरे सब चीज़ हो जाता है, धीरे धीरे हमें हर चीज़ की आदत हो जाती है। और मैं तो ऐसे ही मैनेज करती हूँ, अब तो रुक रुक के अपने सारे काम भी घर का कर लेती हूँ और इन दोनों बच्चे थोड़े समझदार हैं तो अयांश को भी रख के मैं सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैं अभी दोपहर की सब्जी बनाऊंगी, लेकिन सब्जी बनाने से पहले सब्जी कट करने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं सोच रही हूँ ना कि अभी अयांश खेल रहा है तो इसको भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये खेल रहा है, और इसको भी मैं साथ साथ में मैं अपनी नज़र के सामने बिठा के रखी हूँ ताकि ये कुछ खा पी ना ले। और उसके बाद यहाँ पर ये सब्जियाँ कट कर ले रही हूँ, यहाँ पर मैं ये परवल है और आलू की सब्जी बनाऊंगी दोपहर में, तो यही सब्जी मैं कट करके और अभी आराम से रख लूँगी। और मुझे नहाना था पर अयान सो नहीं रहा है, और देखती हूँ सब्जी कट करने के बाद फिर इसको मैं नहला दूँ, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और इसको मतलब कि थोड़ा सा गर्म पानी मैंने रख दिया है और ज़रा सा ही कर रही हूँ, तो हीटर वो रॉड वाली हीटर में नहीं कर रही हूँ, गैस में मैंने रख दिया, तब तक मैं यहाँ पर सब्जी भी कट कर ले रही हूँ, और इस तरह से मैं अपने घर को सारा काम मैं मैनेज कर लेती हूँ बच्चों के साथ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं परवल की जो ऊपर वाली परत होती है ना उसको सिर्फ छील रही हूँ, और इसको छीलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी रहता है। स्कूल का पहला दिन और पहले दिन में बैग अंदर करो, बैग अंदर कर, बैग तक देती है बाहर में, ये लड़का कैसा है, टेम्पो में ना बारिश।